सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है ताकि प्रोडक्ट कैसा है क्या चेक तो कर लो एक बार में। सो आज जो अनबॉक्सिंग है वो है एक हेलमेट की। सो हेलमेट मैं दिखा देता हूँ, स्टील बर्ड हेलमेट, आप पढ़ पा रहे होंगे स्टील बर्ड हेलमेट। सो स्टील बर्ड का हेलमेट ऑर्डर किया था मैंने एक मॉडल नेम। तो ये कुछ पैकेजिंग है, आपको ये एक वाइज़र मिलेगा। मैंने ब्लू कलर का वाइज़र लिया है। सो ये कुछ पैकेजिंग इस तरीके से बॉक्स के अंदर, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो अब हेलमेट पे आ जाते हैं, ये डब्बे को साइड करके। सो ये हेलमेट है, हेलमेट की पैकेजिंग दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। सो ये हेलमेट की पैकेजिंग है, ये जो पॉलीथीन दिख रही होगी आपको। सो पाउच की बात करें तो देखो, जैसे मैंने एजोर के हेलमेट की अनबॉक्सिंग कर रखी, इसका पाउच बेकार एकदम, काफ़ी पतली क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। सो और ये ठीक है, एक पॉलीथीन मिल जाएगी आपको हेलमेट के ऊपर सेफ्टी के लिए। सो ये हेलमेट है, एक बार आप ओवरऑल लुक देख सकते हो इस हेलमेट का। सो ये हेलमेट है और इसका नाम है, जो मॉडल नेम है इसका है स्टील बर्ड एरोनॉटिक्स सेवन विंग्स हेलमेट। सो ये हेलमेट आपको ऑनलाइन मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, तो ये ऑनलाइन आपको मिलेगा 3,700-800 कुछ का मिलेगा। सो जो इसकी प्राइसिंग है वो ये है, और अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिससे आप बाय कर सकते हो। सो अब हेलमेट की लुकिंग की बात करते हैं। लुकिंग जो कलर है वो है मैट ब्लैक। लुकिंग आपने देख ही ली है, लुकिंग ठीक है, क्योंकि कोई भी ग्राफिक नहीं है, थोड़ी ग्राफिक होती तो अच्छा होता। अब यहाँ पे वेट दिख रहा है आपको, सो वेट दिखा देता हूँ मैं एक बार, 1350 ठीक है। सो एक किलो 300 ग्राम 400 ग्राम का हेलमेट है। पीछे ये इस तरीके से आपको मिल जाएंगे एयर वेंट्स, ऊपर भी है आप देख पा रहे होंगे। अब वेंट्स की बात आएगी तो वेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये वेंट्स की बात कर लेते हैं, तो देखो जो वेंट है वहाँ पे टॉप पे एक वेंट है, तो टॉप पे एक वेंट है आपको दिख रहा होगा ओपन एंड क्लोज। सो ये टॉप पे वेंट है, हेड पे एक वेंट है आपके फोरहेड पे, ये एक वेंट है ओपन देन ऊपर की साइड क्लोज, और चिन वेंट एक नीचे ओपन, वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है एंड क्लोज। सो ये वेंट्स की बात हो गई। वेंट्स के बाद में वाइज़र पे आ जाते हैं। सो ब्लू कलर का वाइज़र है, और जो ये वाइज़र है जो आपको दिख रहा होगा ये वाइज़र, सो इसके अंदर आपको, आप देख पा रहे होंगे तो ये एक फिल्म लगी हुई है, प्लास्टिक यानी पिन लॉक इंसर्टेड है इसके अंदर। सो असल में बता देता हूँ ये हेलमेट मैंने बाय क्यों किया है। वैसे बता देता हूँ, यूट्यूब से कोई मनी नहीं आ रही है, कि आपको लग रहा होगा यूट्यूब से आ रहा हो, नहीं। सो कुछ सेविंग्स थी कुछ काम करके तो बाय किया है। असल में जो मेरा एजोर वाला हेलमेट है फ़िलहाल वो रखा हुआ है ऊपर। सो क्या है कि उस हेलमेट के अंदर थोड़ा अपना मोटो ब्लॉक सेटअप हो चुका है, तो उसके अंदर वो स्कूल ले जाने में थोड़ा बाहर ट्रैवल करने में सही नहीं रहता। और सर्दियों के अंदर मेरे पास कोई हेलमेट नहीं था, जो मेरा वाइगा वाला हेलमेट है वो पिन लॉक इंसर्टेड नहीं है, तो उसमें भाप जम जाती है। सो इसके अंदर भाप नहीं जमेगी आपको, और इस हेलमेट से दो वाइज़र मिलने वाले हैं। सो पहला वाइज़र तो क्लियर वाइज़र है, दूसरा वाइज़र ये ब्लू वाइज़र है, एंड मैं ब्लू वाइज़र ये वाइज खोल के दिखा देता हूँ आपको इजीली ओपन करके। ये पैकेजिंग है कुछ, और ये वाइज़र है। सो इसका तो स्टिकर निकला भी नहीं अभी तक, क्योंकि सर्दियाँ हैं और क्या इस्तेमाल करो इसका। सो थोड़ा सा ये जब आप धूप में ट्रैवल करोगे तो आपको ये आँखों में थोड़ा सही रहेगा। आप देख सकते हो स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र, तो दोनों ही स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वाइज़र में, स्क्रैच से नहीं पड़ने वाले। अब इसकी ओपनिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सो ये ओपन मैकेनिज्म है, आप इसको इजीली पुल करके ये वाइज़र चेंज कर सकते हो। दो वाइज़र तो मिल ही रहे हैं आपको इसके साथ, देन इस साइड भी ये रहा, और एक लॉक मैकेनिज्म भी मिल जाएगा आपको छोटा सा। ये स्क्रूज़ है और ये लॉक मैकेनिज्म, अगर इसको आप ऐसे कर दोगे तो वाइज़र ओपन नहीं होने वाला अगर आप हाई स्पीड में बाइक चलाते हो तो। सो ये है एक चीज़, और अब इसकी पैडिंग के ऊपर आ जाते हैं। सो पैडिंग तो देखो, सच बताऊँ तो पैडिंग मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से ऐसा लगा कि थोड़ा पैडिंग अच्छी की जा सकती थी, और फोम भी थोड़ा देखो
अच्छा नहीं है, मतलब आई कैन इजीली से कि अगर इसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन इस्तेमाल करोगे तो ये कहीं ना कहीं दब जाएंगे अपने आप से। सो पैडिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वैसे देखो पैडिंग रिमूवेबल है, आप वॉश कर सकते हो, लेकिन फुल्ली रिमूवेबल पैडिंग है, लेकिन पैडिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अंदर आपको आपके जो इंटरकॉम्स है उनके लिए भी स्पेस मिल जाएगा, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा देखो। सो यहाँ पे इंटरकॉम के लिए स्पेस है, अगर इंटरकॉम आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में, ये रहा इंटरकॉम। अब लॉक मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सो लॉक मैकेनिज्म ये क्विक लॉक है, सो ये दिख रहा होगा क्विक लॉक, स्टील का है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप हाई स्पीड में अगर क्रैश होगा तो ये कहीं नहीं बचाने वाला, निकल के भाग जाएगा। सो अगर आप 4,000 रुपये दे रहे हो अप्रोक्स, तो आपको मतलब स्टील बेड को देना चाहिए, सच में देना चाहिए उनको डीरिंग लॉक जो एजोर के अंदर आता है। और वैसे भी आप ग्राफिक्स दे नहीं रहे हो, और पैडिंग भी काफ़ी सस्ती इस्तेमाल करो जो स्टर्ट थंडर के अंदर आती है, तो नहीं बैठ रहा इतना सिस्टम। तो ये हेलमेट की अनबॉक्सिंग हो ही गई है, अब पीछे की साइड भी देख लो, ये ISI मार्क है एंड स्टील बर्ड एरोनॉटिक्स सैंड विंग्स SA2 हेलमेट। सो अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की। तो बिल्ड क्वालिटी तो देखो सब अच्छी है, थोड़ा ये प्लास्टिक का है, थोड़ा डिलाइट है, मतलब लाइट में थोड़ा हल्का है बिल्ड क्वालिटी के अंदर, लेकिन ठीक है। बाकी देखो सारे पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी है, हेलमेट स्टडी है काफ़ी, ABS मटेरियल है पूरा। सो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, एंड जो फिट एंड फिनिश है, जो फिनिशिंग है ओवरऑल हेलमेट की, वो भी बढ़िया है। लेकिन जो एक बात है जो ख़राब है इसमें, वो है कि जो इसका साइज है, जो मेरे एम साइज आता है, सो इसका जो एम साइज है वो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे के मीन से जो उसकी फिनिशिंग है, जो फिटिंग है, फिनिशिंग सॉरी फिनिशिंग बोल रहा हूँ मैं बार बार, जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं है। ऊपर से तो अच्छी है, लेकिन जो अपना चीक्स का एरिया आता है, गाल का एरिया, जो चिन एरिया आता है, वहाँ से थोड़ी सही से ये बैठता नहीं है। सो मेरे पास देखो एजोर ही हेलमेट है जो अच्छा है, तो मैं उसी से कंपेयर करूँगा, और बाकी जो वेगा वाला है वो थोड़ा प्राइस में कम है। सो ये देखो आपको एक चिन का टेन मिल जाएगा, पता नहीं ये चेन कर्टेन नाम का भी क्यों दे दिया उन्होंने, थोड़ा बड़ा ही दे देते अगर देना ही था तो, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, स्टील बट ध्यान तो दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना, एंड बाकी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा इंटरेस्टिंग आपके लिए। सो स्टे ट्यून, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट का लिंक बाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं जो भी गियर्स इस्तेमाल करता हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वो दे दिया करता हूँ, तो आपको अगर बाय करना रहेगा तो वहाँ से बाय कर सकते हो आप। सो अब वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।